हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन हेयर केयर DIY, जिससे आपके बालों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा बेजान हैं, बेरुखे हैं, बहुत ही ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, कुछ भी उपाय करते हैं, बिल्कुल भी आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, तो आज का ये उपाय ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके बाल बेहद लंबे हो जाएंगे दोस्तों, रातों रात आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, आपके बाल हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा मजबूत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मैजिकल हेयर केयर DIY। तो दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है आपके घर का चावल, जो भी आप चावल खाते हैं, जो भी आप राइस खाते हैं, चाहे वो बासमती हो, कच्चा चावल हो, बॉयल्ड राइस हो, स्टीम राइस हो, किसी भी तरह का चावल होना चाहिए, लेकिन घर का हो तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, अब बोलोगे कि चावल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चावल में दोस्तों भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये सभी चीज़ें हमारे बालों की हेयर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। कहा जाता है अगर आप चावल का पानी, जैसे कि नॉर्मली आप चावल धोते हो खाना बनाने के लिए, तो उस पानी को आप कभी भी फेंके नहीं, उस पानी का इस्तेमाल आप अपने घर के गार्डन में, पेड़ पौधे में ज़रूर डालें। उससे पेड़ पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। फूल वगैरह अगर नहीं आते हैं पौधे में, तो दोस्तों फूल आना शुरू हो जाते हैं और आपके पेड़ पौधे की जड़ें जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। उसी प्रकार से हमारे बालों के लिए भी दोस्तों चावल का पानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपको किसी न किसी प्रकार से चावल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए आपके बालों की ग्रोथ के लिए। दोस्तों, चावल हर तरीके से अच्छा होता है। अगर आप खाते हो तब भी आपके बॉडी में लगता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और अगर आप इसका इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए DIYs के लिए करते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, तो आपको कोई भी चावल ले लेना है। अगली सामग्री आपको चाहिए होगा मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना में भी भरपूर मात्रा में मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है मेथी दाना। चाहे आप उसको अपने हेल्थ के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप अपने वेट लॉस के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप अपने स्किन के लिए यूज़ करना चाहते हो, या फिर बालों के लिए, किसी भी प्रकार से आप मेथी दाना का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, घरेलू नुस्खे के इस्तेमाल करने के जैसा ही, जैसे अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, जोरों में दर्द है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। शुगर पेशेंट हो, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आपके बहुत ही ज़्यादा फैट्स बढ़ी हुई है, मोटापा है, तो उसके लिए भी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है मेथी दाना। और हमारे बालों के लिए तो दोस्तों कहा जाता है वरदान होता है, गंजे सर पे भी बाल उगाने की शक्ति रखता है मेथी दाना, जिसके बहुत ही ज़्यादा बाल टूटते झड़ते हैं। बहुत सारे नुस्खे अपना करके देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, बालों का टूटना झड़ना नहीं रुकता है। तो आपको मेथी दाना का जो तेल मैंने बनाया है ना मेरे चैनल पर, अभी रिसेंटली मैंने डाला है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मैजिकल तेल होता है, हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी कराता है, बालों का टूटना झड़ना 0% कर देता है। दोस्तों, बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी झूठ नहीं है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मेथी दाना और कलौंजी से बना हुआ मैजिकल हेयर ऑयल। और इसके जैसा ही दोस्तों प्याज का भी तेल हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उसके भी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको क्या करना है आज के नुस्खों को बनाने के लिए, सबसे पहले पानी लेना है। पानी लगभग एक गिलास आप ले सकते हैं, उसमें एक चम्मच से डेढ़ चम्मच आप डाल सकते हैं मेथी दाना, 3 से 4 चम्मच आपको चावल डाल देना है, जो भी आप चावल खाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, आपको अच्छे से उबालना है। उबालने के लिए टाइमिंग आप 7 से 8 मिनट का सेट कर सकते हैं, और मीडियम से लो फ्लेम पे काफ़ी अच्छे से उबालना है, ताकि मेथी और जो चावल है काफ़ी अच्छे से उस पानी में फूले, उस पानी में उबले, और उसका जो गुण है वो उस पानी में चला जाए, और ये जो पानी बने ना एकदम सुपर डुपर मैजिकल पानी बन जाए। तो मैं भी यहाँ पे क्या करती हूँ, 7 से 8 मिनट तक काफ़ी अच्छे से इसको बॉयल कर लेती हूँ, उबाल लेती हूँ, और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे से इसको छान लेना है। आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया सा कलर है, एकदम नेचुरल बढ़िया वाला कलर आया है। दोस्तों, हमारे बालों के लिए काफ़ी मैजिकल फार्मूला बना हुआ है, एकदम हेयर सीरम के जैसा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है कोई भी नेचुरल शैम्पू, जो आपके बालों को टूटना झड़ना रोके, आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी करे, और जिसमें ज़्यादा भी केमिकल नहीं हो। मैं ले रही हूँ नेचर श्योर का जोंक शैम्पू, जो कि बहुत ही अच्छा शैम्पू है। दोस्तों, इसके मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में भी यूज़ किया है, उसके मैंने रिव्यूज़ अलग से डाले हुए हैं, ताकि लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। काफ़ी बढ़िया शैम्पू होता है, बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा, मैं मतलब झूठ नहीं बता रही, सच है, बिल्कुल सच है। आप ये शैम्पू ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। और उसको आपको 3 से 4 चम्मच डाल देना है। आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे इसको बाय कर सकते हैं, और लिंक ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसको प्रोवाइड ज़रूर कराती हूँ, वहाँ से आप ले करके ज़रूर परचेज़ करें और जोंक शैम्पू इस्तेमाल करें।
उसके बाद आपको 3 से 4 चम्मच इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है। पानी को काफ़ी अच्छे से आपको ठंडा करना है दोस्तों। कभी भी बालों में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल अपने बालों के लिए करोगे तो आपके बालों का टूटना शुरू हो जाएगा, आपके बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और फिर बाल बेजान हो जाएंगे, टूटने लगेंगे दोस्तों। इसलिए गर्म चीज़ें ना करें, बालों में पानी को इस्तेमाल करने के पहले काफ़ी अच्छे से ठंडा करने के बाद ही यूज़ करें। तो आपको सिंपल जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसके प्लेस पे इस वाले पानी वाले चावल के पानी और मेथी के पानी का जो शैम्पू मैंने बनाया उसी से आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। काफ़ी अच्छे से पानी इस तरह से डाल करके हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करते हुए अच्छे से शैम्पू करें। और दोस्तों तुरंत ही आपको इस लगाने के बाद बाल को नॉर्मल पानी से वॉश नहीं करना है, कम से कम आप इसको अपने बालों में 5 से 10 मिनट तक ज़रूर लगा के रखें इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको अपने बालों पे कम से कम 10 मिनट तक ज़रूर लगा के रखें शैम्पू। 10 मिनट तक लगाने से क्या होगा, शैम्पू काफ़ी अच्छे से आपके बाल की जड़ों तक जाएगा और बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगा फ्रेंड्स। और जो DIYs भी आपने बनाया जैसे मेथी का पानी और चावल का पानी का असर आपके बालों पर होगा। और 10 मिनट के बाद आपको नॉर्मल पानी से बाल को अच्छे से वॉश कर लेना है दोस्तों। करके ज़रूर देखिए, आपको फ़र्क बहुत ही जल्दी नज़र आएगा। बाल आपके सच में इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आपको सच में यकीन नहीं होगा। कुछ ही दिन के इस्तेमाल करने से बालों की खूबसूरती नज़र आएगी, बालों का टूटना झड़ना रुक जाएगा, बाल बेहद सुंदर मुलायम और लंबा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। पहले और अब के बालों में आप मुझे फ़र्क नज़र आ सकता है देखते होंगे, बहुत ही अच्छे हो गए हैं मेरे बाल और मेरे बालों की खूबसूरती काफ़ी अच्छी हो गई दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके का नुस्खा अपनाती रहती हूँ, DIYs ट्राई करती रहती हूँ बालों पे। बाहर के ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती अपने बालों पे। तेल का भी वीडियोस मैंने बहुत ही अच्छे से तेल का डाला हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से अपने बालों की हेयर केयर करती हूँ, देखभाल करती हूँ, जिससे मेरे बालों की खूबसूरती और बढ़ गई है, बाल मेरे हो गए काफ़ी ज़्यादा लंबे। आप भी इस तरीके का DIYs ट्राई कीजिए और अपने बालों को बड़ा कीजिए दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।